हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है। टेक आउट योर मैथ्स बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 84। ये है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 84। आज मैं आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर 11 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है लाइन्स एंड लाइन्स। रीड करेंगे आप सभी मेरे साथ। क्या नाम है आपके चैप्टर का? लाइन्स एंड लाइन्स। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में बताया हुआ है। चलिए इस चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका चैप्टर रीड कर रही हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। हूज लाइन इज इट, ये किसकी लाइन है? टूडे देयर इज अ क्रिकेट मैच इन फातिमाज स्कूल। फातिमा, जसबीर एंड रायमा हैव ईच बॉट देयर ओन स्टंप फ्रॉम होम। आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच चल रहा है। फातिमा, जसबीर और रायमा तीनों बच्चे अपने स्टंप लेकर आए हैं घर से। They keep these in a corner of the room. उन्होंने इनको रूम के एक कॉर्नर में रख दिया है। फातिमा keeps her stump in standing position. फातिमा ने अपने स्टंप को कैसे रखा है? यहाँ पर देखिए, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजिशन में, बिल्कुल सीधे रखा है फातिमा ने अपने स्टंप को। जसबीर keeps his stump in slanting position. जसबीर ने थोड़ा झुका कर रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह है जसबीर का स्टंप, तो उसने इस तरह से रखा है। अब लास्ट देखिए किसका है? रायमा का। रायमा कीप्स हर स्टंप इन स्लीपिंग पोजीशन। रायमा ने अपने स्टंप को स्लीपिंग पोजीशन में रखा है, इस तरह से बिल्कुल लिटाकर। तो ये किसका है? रायमा का स्टंप है, देख पा रहे हैं आप सभी। तो ये हमारे तीन टाइप्स की क्या है? लाइंस बताई हुई है। फर्स्ट इज स्टैंडिंग, सेकेंड इज स्लैंटिंग, थर्ड इज स्लीपिंग। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पिक्चर के थ्रू भी बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, ये आपकी स्टैंडिंग है, ये आपकी स्लैंटिंग है और ये आपकी स्लीपिंग है। टू शो अदर्स हाउ दे हैव केप्ट देयर स्टंप्स, दे ड्रॉ लाइंस इन अ नोटबुक। दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने अपने स्टंप्स को कैसे रखा है? उन्होंने जो है अपनी नोटबुक में लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी, यहाँ देखिए। ठीक है, फातिमा ड्रॉज अ स्टैंडिंग लाइन, फातिमा ने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की है। जसबीर ड्रॉज अ स्लैंटिंग लाइन, जसबीर ने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की है। रायमा ड्रॉज अ स्लीपिंग लाइन, रायमा ने कैसी लाइन ड्रॉ की है? स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की है। तीनों बच्चों की पिक्चर को मैच द पिक्चर ऑफ ईच चाइल्ड विद द करेक्ट लाइन। तीनों बच्चों की पिक्चर को उनकी सही लाइन से आपको मैच करना है। सबसे पहले है, कौन है ये? फातिमा। तो फातिमा ने कैसी लाइन ड्रॉ की है? फातिमा ने की है स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, जसबीर ने कैसी की है? स्लैंटिंग लाइन। और रायमा ने कैसी की है? स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से हमने इसको मैच कर दिया। आप भी अपनी बुक में पेंसिल से इस तरह से मैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप पेज नंबर 85 पर। ये है आपका पेज नंबर 85। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हेयर आर सम स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स एंड स्लीपिंग लाइन्स, नाउ ड्रॉ सम मोर सच लाइन्स। यहाँ पर आपको स्टैंडिंग लाइंस दी हुई हैं। यहाँ देखिए आप, ये आपको नजर आ रही है, ये कैसी लाइन है? ये स्टैंडिंग लाइन है। इसके साइड में आप भी कुछ स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक, ये कैसी लाइंस है? ये है आपकी स्लैंटिंग लाइंस। आप भी इसके आगे यहाँ पर इसको कंप्लीट करिएगा और यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पर ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी स्लीपिंग लाइंस। ठीक, तो आप भी यहाँ पर कुछ स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, ये जसबीर क्या कह रहा है? आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द साइड ऑफ माई पेंसिल बॉक्स। जसबीर कह रहा है मैं अपने पेंसिल बॉक्स की साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कर रहा है। ठीक है, फिर ये कह रही है, ये कौन है? ये है फातिमा। आई कैन ड्रॉ लाइन्स विद द स्केल, मैं स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। अब ये कहती है, ये क्या, ये कौन थी? ये थी हमारी रायमा। तो ये कह रही है आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइन्स विद ओनली माई हैंड, मैं अपने हाथ से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं ये सब कर रहे हैं, ये स्केल से कर रही है, ये अपने पेंसिल बॉक्स से कर रहे हैं और ये अपने हाथ से कर रही है। अब नीचे देखिए, एकता लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दीज आर कर्व्ड। एकता की लाइन स्ट्रेट नहीं है। ये जो लाइन है जो एकता ने बनाई है, ये कौन सी है? ये कर्व्ड है। ठीक है, देखिए एकता ने ऐसी लाइन बनाई है, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप सभी। तो एकता ने कुछ ऐसी लाइन बनाई है, ये सीधी नहीं है। सीधी होती तो ऐसी होती। कैसी होती? ऐसी होती। अगर सीधी होती तो ऐसी होती। ठीक है, इस तरीके से होती अगर सीधी होती तो।
ठीक है, अगर सीधी होती तो ऐसी होती, ऐसी होती, आपकी जो स्लीपिंग लाइन है ना वो भी आपकी सीधी होती है, ठीक है, और इस स्लेंटिंग लाइन जो होती है वो भी सीधी होती है, स्लीपिंग लाइन होती है वो भी सीधी होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है वो भी सीधी होती है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एकता की लाइन कैसी है, ऐसी है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक। ड्रॉ मोर कर्व्ड लाइंस बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स, आपको भी यहाँ पर कुछ कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है इन डॉट्स को ज्वाइन करके, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करेंगे, ठीक है, तो करिएगा आप इसको कंप्लीट, ठीक है। अब आइए आप पेज नंबर 86 पर, ये आपका पेज नंबर 86। अब क्या है, फन विद लाइंस। जिज्ञासा हैज अ क्लॉक, शी कैन रीड द टाइम रिटन इन नंबर्स एंड ऑल्सो द डे ऑफ द वीक, द नंबर्स एंड लेटर्स आर मेड विद स्ट्रेट लाइंस। जिज्ञासा के पास एक क्लॉक है, घड़ी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर जो है क्या टाइम हुआ है, 12:30 हुआ है और थर्सडे लिखा हुआ है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप सभी, ये देखिए नंबर्स और लेटर्स सभी स्ट्रेट से लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट उससे लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हैं ये सब, इस तरह से, पहले ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह, ठीक है, फिर ये कुछ इस तरह ऐसे यहाँ पर, फिर ये थ्री देखिए इस तरह बनाया है, फिर ऐसे बनाया है, फिर ऐसे बनाया है, फिर ऐसे बनाया है, फिर ऐसे बनाया है, यहाँ पर ये जीरो देखिए, बहुत इजी है ये देखिए हो गया, इस तरीके से 12:30 यहाँ पर लिख दिया है और थर्सडे भी इसी तरह से लिखा है, ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर ये स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट, फिर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, इस तरह, इस तरह, कहीं पर हम मुड़ नहीं रहे ना, सब चीजें स्ट्रेट चल रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसे थर्सडे लिखा है। ओके प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं आप सभी, इस तरह से लिखा हुआ है ये स्ट्रेट लाइन से। जिज्ञासा मेड मोर नंबर्स एंड लेटर्स विद यूज्ड मैचस्टिक्स। जिज्ञासा ने मैचस्टिक को यूज करके देखिए कुछ और नंबर्स और लेटर्स लिखे हैं यहाँ पर, ये देखिए ए, ये बी, इसको हम एट भी बोल सकते हैं, एट की तरह भी दिख रहा है ना ये आपको, यहाँ पर ये नाइन और ये एट, ठीक है, इन्होंने किसका यूज किया है, मैचस्टिक का। मैचस्टिक कैसी होती है, सीधी होती है ना, तो इन्होंने उससे इसको बनाया है, किसने बनाया, जिज्ञासा ने। तो कम मैक सम मोर, अब आप भी कुछ बनाइए, तो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए अब हम वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट यूज्ड मैच स्टिक्स, हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर्स विद दीज। इस्तेमाल की गई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करें, उनके साथ नंबर्स और लेटर्स बनाने का मजा लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको अपनी कॉपी में करना है, नोटबुक के अंदर करना है, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर माचिस की तीलियों से जैसे ऊपर इन्होंने नंबर्स बनाए ना और लेटर्स बनाए, इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में माचिस की तीलियां लेंगे और उनसे सीधी सीधी इस तरह से ऊपर जैसे बनाई हुई है उसी तरह से आप भी अपनी नोटबुक में कुछ लेटर्स और नंबर्स बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी नंबर और लेटर डेट यू कैन नॉट मेक विद मैच स्टिक्स। क्या कोई नंबर या लेटर है जो आप माचिस की तीली से नहीं बना सकते, कुछ कोई है ऐसा, नहीं, नो, कोई ऐसा नहीं है, सब बन जाएगा इजीली, बहुत, ओ भी बन जाएगा, कैसे बनेगा ओ, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है ये ओ बन जाएगा, जरूरी नहीं है ऐसे बने, ऐसे भी ये ओ है, ठीक है, और जी भी बन जाएगा इजीली, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और फिर इसको नीचे ले जाएंगे ऐसे बना के, इजीली बन जाएगा ये भी, ठीक है। एक्स भी बन जाएगा, कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, ये हमारा बन गया एक्स, ठीक है, ओके। तो ये आप अपनी नोटबुक में नहीं करिएगा, ये इसको इसी में यहाँ पर आगे नो लिख दीजिएगा, ठीक, बस ये वाला करना है। और देखिए आगे, नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। अब सीधी लाइन का यूज करते हुए कुछ नंबर्स लिखिए, कुछ नंबर्स लिखिए कैसे, जैसे आप मान लीजिए आपने लिखा 54, जैसा आपने लिखा 54, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ये बना 5, ऐसे 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 और ऐसे बन गया ना 54, ठीक। अब ऐसे ही अगर आप लिखें 29, ऐसे 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 और 9 कैसे बनाएंगे, ऐसे करके
ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे, ये बन गया आपका 9। इजी है ना? ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये वाला क्वेश्चन किसमें करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे आप किसके अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर। ये इसका आंसर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है थोड़ा, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर है ये, तो इसको आप लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला काम जो हो गया ये आपका हो गया आपकी नोटबुक के अंदर करने वाला। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, विच वंस आर इजी। अगर आप लेटर्स को लिखें तो कौन सा लेटर सबसे आसान है जिनमें स्ट्रेट लाइन यूज होती है। तो ए आसान है, ए आप इजीली लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे और फिर ऐसे, तो ये हो गया आपका ए। ठीक है, और कोई, ई भी इजी है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये सब स्ट्रेट लाइन का यूज हो रहा है इसमें, तो ई भी इजीली बन गया। डी भी इजी है, ऐसे करेंगे आप, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे यहां पर आ जाएगा और ये आपका इजीली डी भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसी को यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, और भी कोई आपको इजी लगते हैं तो आप लिख दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो ये आपको अपने नोटबुक में नहीं करना, यहां आप इसी में करिएगा। फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटर्न विद स्ट्रेट लाइन्स, पता करिए और कहां पर नंबर्स और लेटर्स स्ट्रेट लाइन से लिखे जाते हैं। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो वहां पर जो क्लॉक्स लगी होती हैं, जिनमें आप, जिनमें टाइम शो हो रहा होता है, वहां पर या फिर रेलवे का टाइम टेबल लिखा हुआ होता है कि कब कब कौन सी ट्रेन आ रही है, ये सब लिखा हुआ होता है, वहां पर स्ट्रेट लाइन का यूज होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एट रेलवे, एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 87 पर, यह है आपका पेज नंबर 87, डांसिंग लाइंस। रिमिया सो अ ट्रैफिक पुलिसमैन गिविंग डायरेक्शंस टू व्हीकल्स। रिमिया ने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन दे रहा है व्हीकल्स को। डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम्स मेक कर्व्ड लाइंस, क्या कभी ट्रैफिक पुलिसमैन कर्व्ड लाइन बनाते हैं। आंसर इज यस, बनाते हैं। ठीक, रिमिया ट्राई टू एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, शी मेड मैनी स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस, इट वॉज फन, इट लुक्ड लाइक डांस। रिमिया ट्राई कर रही है कि ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह एक्ट करने का। उसने बहुत सारे स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन बनाई हैं और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये डांस कर रही है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ट्राई द डांस स्टेप्स गिवन ब्लो एंड एंजॉय लाइक रिमिया। नीचे कुछ आपको डांस स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको कोशिश करिए ऐसे खड़े होने की। ये देखिए यहाँ पर, ये आपको बहुत से डांस स्टेप दिए हुए हैं, ऐसे देखिए, ऐसे खड़े होने की कोशिश करिए, ऐसे करिए, इस तरीके से डांस स्टेप बनाने की। पैर ऐसे करिए, इसमें देखिए पैर किस तरह से हुए हैं यहाँ पर, ये नीचे देखिए, पैर इस तरीके से करने की कोशिश करिए आप सभी और इसको इंजॉय करिए। ठीक है, अब देखिए, लुक एट हिज आर्म्स, दे लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स। उसकी आर्म्स को देखो, वे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स की तरह दिखते हैं, ऐसा यहाँ आर्म सोच रही है। तो ये देखिए आप, ये आपकी हो गई स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और ये हो गई आपकी स्लीपिंग लाइन, देख रहे हैं आप। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए इन तीनों टाइप्स के बारे में लाइन्स की, आपको ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए, यह आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा कौन सी स्टैंडिंग है, कौन सी स्लैंडिंग है और कौन सी आपकी स्लीपिंग है। ठीक, आपको याद रहनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखिए, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ डांस की फॉर्म में है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, करके देखिएगा आप सभी। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 88 पर, ये है आपका पेज नंबर 88, डिजाइन्स विद डॉट्स, डॉट से बनने वाले डिजाइन। जॉइन द डॉट्स विद कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस, इनको आप कर्व्ड और स्टैंडिंग लाइन से ड्रॉ करेंगे। और देखिए कुछ डिजाइन आपको यहाँ पर बनाए हुए भी दिखाए हुए हैं, तो ये तो है आपकी, सबसे पहले एक फिश बनाई हुई है,
आप क्या करेंगे, काइट बना लीजिएगा। ध्यान रहे कि डॉट्स को यूज करना है, ठीक है, डॉट्स में ही बनाना है, उससे अलग नहीं बनाना, ठीक है, डॉट्स को ज्वाइन करके बनाना है। और कोई पिक्चर अगर आपको ड्रॉ करनी है तो वो भी आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप करिएगा इसको, ठीक है, कोशिश करिएगा इसमें आप कुछ बनाने की। आप देखिए आप पेज नंबर 89 पर, यह है आपका पेज नंबर 89, लाइन्स इन पिक्चर्स। नैन्सी सो दीज पिक्चर्स मेड बाय फोक आर्टिस्ट, कुछ फोक आर्टिस्ट ने पिक्चर बनाई है। लुक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग। ये कुछ आसान है बनानी, अगर आप बनाना चाहें तो देखिए आप यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक गर्ल है, कितनी इजी तरीके से बनाई है, बिल्कुल क्लियर है ये पिक्चर, लाइन को यूज करके बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कार्ट है, ठेला है, ये एक ये प्लांट है, ठीक है, और ये आपका मंकी है। ये गर्ल है जो बैंड बजा रही है, ढोलक बजा रही है, ठीक है। और ये गर्ल्स जो है ये क्या कर रही है, ये सब डांस कर रही है। ये दूध पिला रही है स्नैक को, ठीक है। तो देखिए ये सभी आपके कर्व लाइन है, ये स्नैक, देखिए ये आपकी कर्व लाइन है, ये, ठीक है, ये ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक। ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स लाइक दीज, इसी तरह की कुछ और पिक्चर्स आप बनाइए, तो आप कोशिश करिएगा बनाने की, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर स्टैंडिंग लाइन की बात करें तो आपकी ये जो है ना, ये सीधी, ये देखिए इस तरह से, ये आपकी सारी कैसी है, ये आपकी स्टैंडिंग लाइन्स है, ठीक है। और स्लिपिंग लाइन की बात करें तो स्लिपिंग लाइन आप देखिए ये है, ये से ये ठीक है, ये आपकी सारी कैसी है, ये स्लिपिंग लाइन्स है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ लाइन्स है, बस और कुछ नहीं है इसमें, टाइप्स ऑफ लाइन्स है, ठीक है। थ्री टाइप्स की लाइन्स है आपको बताई हुई है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कौन कौन सी लाइन्स होती है, स्टैंडिंग लाइन्स होती है, स्लीपिंग लाइन्स होती है और स्लैंटिंग लाइन्स है। ये तीनों आपकी स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, और एक हमारी होती है कर्व्ड लाइन। कैसी होती है कर्व्ड लाइन, घुमावदार, ठीक है। वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया इस चैप्टर में, कर्व्ड लाइन भी दिखा दी आपको, स्लैंटिंग लाइन भी बता दी, स्टैंडिंग लाइन भी बता दी और स्लीपिंग लाइन भी बता दी, ठीक है। तो ये फोर लाइंस के नाम आपको याद रखने हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज स्टैंडिंग, कैसी होती है स्टैंडिंग, ऐसी होती है, ठीक है। सेकंड इज स्लैंटिंग, जो थोड़ी सी ऐसी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैंटिंग। थर्ड इज स्लीपिंग, ऐसी होती है स्लीपिंग, ठीक है। एंड लास्ट है कर्व्ड लाइन, जो सीधी नहीं होती, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से होती है, तो इसको बोलते हैं हम कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है अब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आप इजीली कर लेंगे, मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।